और मूवी लेकर आने वाले हैं। इस मूवी में हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। ये मूवी इंडिया की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे देखने को मिलेंगे और इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा होने वाला है। मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म जैसी आज तक इंडिया में नहीं बनी होगी और इस फिल्म का नाम होने वाला है प्रोजेक्ट के। अगर बात करें इस फिल्म की कास्टिंग की, तो इस फिल्म में हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म के मेन रोल में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, प्रभास, और फीमेल रोल में दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। और फिल्म में हमें साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू और सूर्य का कैमियो देखने को मिलेगा। और सुनने को मिल रहा है कि इस फिल्म में साउथ के कई सुपरस्टार कैमियो करते हुए दिखाई देंगे, इसलिए दोस्तों इस फिल्म को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म में साउथ के बड़े डायरेक्टरों में से एक नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। और सुनने को तो मिल रहा है कि इस फिल्म में कई बड़े सारे एक्शन सीन्स होने वाले हैं, इसलिए फिल्म में एक्शन सीन्स को अच्छी तरह से दर्शाने के लिए हॉलीवुड के कई बड़े एक्शन डायरेक्टरों को बुलाया गया, ताकि सभी एक्शन सीन्स को जितना हो सके उतना रियल लगाया जाए। इस फिल्म के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। वहीं लोग इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अभी जारी है, जिसे 2023 में ख़त्म कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये फिल्म 2023 के आखिरी या फिर 2024 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें इस फिल्म के बजट की, तो ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। और दूसरा, इस फिल्म में हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए फिल्म का बड़ा बजट होना लाजमी है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 500 से 600 करोड़ के बीच होने वाला है, जिससे ये इंडिया की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्मों में एक बन जाएगी। वहीं बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी को लेकर अभी तक मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दिया, पर सुनने को तो ये मिल रहा है कि ये फिल्म सुपर हीरो मूवी होने वाली है, इसीलिए लोग इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। वहीं बात करें इस फिल्म के हिट और फ्लॉप होने की, तो ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। दूसरा, इस फिल्म की कास्टिंग इस फिल्म को बिल्कुल अलग ही लेवल पर पहुंचा देगी। ये फिल्म पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड रिलीज की जाएगी, जिससे ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर पाएगी और हो सकता है ये फिल्म हॉलीवुड की मूवी एवेंजर्स को टक्कर दे दे। खैर, ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।